नमस्कार। कक्षा 6 में पढ़ने वाले सभी छात्रों को पहला चैप्टर है भोजन के स्रोत। भोजन भोजन क्या है? भोजन वह पदार्थ को भोजन कहा जा सकता है जिसे शरीर की पौष्टिक आधार प्रदान करने के लिए खाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज पदार्थ आदि। प्रत्येक वह पदार्थ जिसे मनुष्य खा सकता है और जो उसके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है भोजन कहलाता है। भोजन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करती है। भोजन हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत में सहायता करती है। भोजन हमारे शरीर की वृद्धि करता है। भोजन हमारे शरीर की बीमारियों से बचाता है। अगली हेडिंग है मनुष्य के लिए भोजन के प्रमुख स्रोत। पौधों द्वारा, पौधे जैसे गेहूं, चना, मटर, मूंग, अरहर आदि सभी प्रकार के पौधों से भोजन प्राप्त होता है। दूसरा है आपका मूल जड़ फसलें। कुछ फसलों की जड़ें जैसे मंड या स्टार्च के रूप में पाई जाती हैं, जैसे मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर आदि। तने द्वारा आलू, गन्ना, अदरक, प्याज, हल्दी आदि। पत्तियों द्वारा है पत्तियों पौधे में श्वसन एवं भोजन बनाने में कार्य करती हैं। हम कुछ पत्तियों से भोजन भी प्राप्त करते हैं, जैसे मेथी, पालक, पातगोभी आदि। फलों द्वारा फलों से मीठा एवं रसदार भोजन प्राप्त होता है, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, टमाटर, सेब, आम, अमरूद आदि। पुष्पों द्वारा फूलगोभी, कचनार, सेमल, गुलकंद आदि। पौधरोपण किसी विशेष फसल की आर्थिक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बड़े पैमाने पर जो उगाया जाता है वो पौधरोपण कहलाती है, जैसे चाय, कॉफ़ी, संतरा, नारियल आदि। अगली हेडिंग है आपकी जंतु एवं जंतु उत्पाद क्या है। अगले प्रश्न है जंतु एवं जंतु उत्पाद क्या है। जंतु उत्पाद भी मनुष्य को भोजन एवं अन्न मुख्य स्रोत है। ये पशुधन हमारे देश में गाय एवं भैंस मुख्य पशुधन है, एक मुख्य प्राकृतिक भोजन। इस जंतु प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत माना गया है, जिसे भेड़ एवं बकरी पालन। भेड़ और बकरी पालन से हमें अनेक पदार्थ जैसे मांस, दूध, ऊन आदि प्राप्त होती है। मुर्गी पालन से आशय है कुछ पक्षियों से, जैसे मुर्गी, बतख, हंस, कबूतर आदि। इनसे मनुष्य को अंडा, मांस, जो प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। मत्स्य पालन प्राचीन काल से ही समुद्री क्षेत्रों के निकट रहने वाले लोगों के लिए मछलियों उनके भोजन का अभिन्न अंग रही है। इनमें विटामिन ए और डी का मुख्य स्रोत होती हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं की श्रेणी। शाकाहारी जंतु वे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं या उन पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे इस श्रेणी में चरने वाले जंतु आते हैं, खरगोश, हिरण, गाय, भैंस आदि। मांसाहारी जंतु वे जंतु जो अन्य जंतुओं को मारकर अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, भेड़िया आदि मुख्य मांसाहारी जंतु हैं। अगले है शाकाहारी जंतु, जो जंतु पौधे एवं मांस दोनों को खाते हैं सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। मनुष्य कुछ जंतु हैं जो चूहा, भालू आदि। अपमार्जक वे जंतु होते हैं जो मरे हुए जंतुओं एवं उनके अवशिष्ट पदार्थों को खाते हैं। अपमार्जक
कहलाते हैं। अपमार्जक प्रकृति के सफाई करता भी होता है जो प्रकृति की गंदगी को साफ करता है। कुछ मुख्य अपमार्जक जैसे गिद्ध गीदड़ आदि हैं। शरीर की दैनिक ऊर्जा एवं आवश्यकता तथा आधारी उपापचय दर, इसकी सारणी अगले पेज में दी गई है।